और सत्ता तक पहुंचे में नीतीश कुमार के कोई सानी नहीं थे साम दाम दंड भेद रुआ जितना उनका के कह दी कि अल्टू राम हैवे पलटू राम हवे हाई करे हउ करे लेकिन सत्ता छीन के दिखाई ना रहुओं पलट के दिखाई ना रुआ तो कोशिश कर तीन पलटे के पलटते नहीं जो एकदम पीक पर चल रहा बाम वाई भरसेज लौकुश चल रहा बा और लौकुश भरसेज हिंदुत्व चल रहा बा लड़ाई में बाकी के लोग के खाली पसंगा बराबर हिस्सेदारी बा चाहे जे जतना बोल ले सब दाव जानता है लेकिन धोबिया पछाड़ नहीं जानत और नीतीश कुमार धोबिया पछाड़ के माय हे कब के उठा के पटक दी दीहे दाव से कहल बड़ा मुश्किल बात ए बात के भारतीय जनता पार्टी जानत है अब नीतीश कुमार के ना पटकला के चलते भारतीय जनता पार्टी के डर हो गई बा बा गई भीतर आज तैंतालीस सीट वाला नीतीश कुमार तैंतालीस सीट जो इकतालीस कियन लिया कहाँ तक तो कुछ, कुछ साल भर साल भर में जो स्थिति बात नीतीश कुमार अपन खूंटा और मजबूत कर नीतीश कुमार के स, छीन के उनका से लड़ाई छीन के भारतीय जनता पार्टी चाहता कि अब तेजस्वी यादव संगे खुद लड़े लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसा लड़ाका हवे कि पटका पटका के भी ताव देते रहते रहे कि आओ ना कि पटक के देखो नीतीश कुमार के शराबबंदी सबसे महत्वाकांक्षी योजना बा और नीतीश कुमार एकरा के वोट बैंक माने ले। हर जीत बदरंग हो जाए। हर जीत बदरंग हो जाई हम हार में भी जीत के ऐसा हुनर जानी ले हम हार में भी जीत के ऐसा हुनर जानी ले जब भी हो सामना बुझ जा जब भी हो सामना बुझ जीत के कतना बाउम जानी ले जीत के कतना बा उमर जानी ले। वफा खोजत बाड़ो बेवफाई के शहर में वफा खोजत बाड़ो बेवफाई के शहर में मौका परस्त के हाल का होला हम जानी ले। नहीं बोला हिरास अभिनंदन बोलो अपना कार्यक्रम जो नाम खुटा टोक के चर्चा बड़ी जबरदस्त हो गई बातीश कुमार जी अगला रणनीति कौन चली है कारण कि लगातार नीतीश कुमार पर जन तरीका से हमला हो रहा बा उनका सोलह साल के जो शासन रहा ओकरा पर अंगुरी उठावल जाता इस सब बात के लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सब खेल बूझ रहा कि कहाँ उनका संगे होखे जा रहा बा और कैसे रणनीति तैयार कर जाता नीतीश कुमार के एक खाली पटके के कोशिश को करे में पिछड़ला के बाद के के उनका साथे घात करे खातिर तैयार नीतीश कुमार लाल बुझकड़े पहले कहा जाए कि लालू प्रसाद जब बिहार के राजनीति में सदेह उपस्थित रहत रहन कहा जाता कि लालू प्रसाद से बड़ के लाल बुझक नहीं के और उ गेम के हमेशा पलटे के हुनर जाने ले। लेकिन अचानक से जो स्थिति पैदा हो गई बिहार में लेकर के ले करके, अब एक बात कहाल जाता कि जो लालू प्रसाद पहले करते रहन खेल के माहिर हो गा नीतीश कुमार आहू खस का है ना कारण कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के राजनीति लगभग एक के समय शुरू रहे और यह राजनीति और रणनीति के दोनों एक दूसरा के सब सांप आ बिछी के मंत्र जाने ले यह बात के लेकर के 2015 में जब संघे आई रहो तब भारतीय जनता पार्टी के बात के एहसास हो गई रहे और भारतीय जनता पार्टी तबे खेलरस दिहस कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक संघे मत जास वो याद हो के 2015 के बाद जब 2017 में नीतीश कुमार एनडीए डी के तरफ गई रहन तो चर्चा का अब रहे कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से संपर्क कर चाहत रहन कि के मिल के सरकार बना लियल जाओ कतना साँच कतना झूठ रहे एकर विवेचना एक, एक विश्लेषण हम कोई हल कर चुकल बनी लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में भले एक संग है दोनों मत होखस लेकिन दोनों के टारगेट नीतीश कुमार बाड़े और नीतीश कुमार ऐसा ऐसा खेल करता है ऐसा रणनीति लौ देता रहे कि जना से लेकर के दोनों जना के भीतर भीतर छपट छूटल बा अब एक खातिर खाली फिर से नया तरह के रुआ हो रणनीति तैयार हो रहा बड़ू रणनीति में जहां एक तरफ की तेजस्वी यादव आ रन लौक ताकि भारतीय जनता पार्टी के बिहार खेमा बा चिराग पासवान नजर आओ तारन एक अलावे अभी बहुत लोग नजर आता जो नीतीश कुमार के खिलाफ बा लेकिन नीतीश कुमार से रणनीति चाल चाल ले रणनीति पर सीधे मध्यावधि चुनाव के तैयारी हो रहा सुपर गठबंधन सब पर बुझाता की भारी हुई विषय के चर्चा और सुपर गठबंधन का सुपर गठबंधन आखिर कैसे अचानक से ही चर्चा में आवे लागल एक पर पूरा विश्लेषण चली सबे खुटा ठोक पर वालों के साथ हुई और एक साथ साथ बिहार के राजनीति के वर्तमान भविष्य और अतीत के कुछ पन्ना जोड़ करके का होखे वाला बा ओकरा के छानबीन करे के कोशिश करता नहीं ये पूरा जो विषय बा ये विषय के ताड़ा तड़ी में दिल्ली से पटना दौड़ के आवे वाला तेजस्वी यादव बाड़े तो वही भारतीय जनता पार्टी भी हर छोट बड़ बात जो नीतीश कुमार के खिलाफ जाता वह उस्कावे के तैयार रहता तो आखिर एकरा सोचता नीतीश कुमार और नीतीश कुमार यही विषय पर चुप बाड़े जबकि उन सेना बा पूरा मजबूती के साथ अपन खुटा ठोक करके और हर विषय पर जवाब देवे खातिर तैयार बा तो एक साथ साथ जो मध्यावधि चुनाव के सुखबुगाहट शुरू हो गई बा चर्चा हो रहा बात थोड़े बा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। काम वाला भा, जो बा भारतीय जनता पार्टी नहीं के कारण हम आदमी बढ़ले बानी लहसुन रे बदगोई अपने से प्रगट हो तो खुटा ठोक पर विषय के लेके हम भारत लाइफ से चली जा और एक के पूरा विश्लेषण कह के ए बात के निकाल जाए कि आखिर मध्यावधि चुनाव के सुबुगाहट जो उनके संपादक नमन मिश्रा जी चुनाव के भेरिए कह दिल रहन कि सरकार के जन्म के साथ साथ एक एक्सपायरी डेट भी लिखा गया बा तो आखिर उस समय आ रहा बा